Good morning, dear students. Welcome to the learning class. Chapter number 4, unit 4, read 1. Paper of a pen of paper. Okay? Paper of a pen of paper. Animal, जो सोचते हमारे mind के अंदर, जिसको हम imaging करते हैं. हमें हमारे household के अंदर जो भी animal हम रखते हैं, उसी animal के बारे में हम discuss करते हैं. कि टीचर और स्टूडेंट जो अपने क्लासरूम के अंदर वो सब अपने बात बता रहे हैं कि कौन सा एनिमल हमारे पास है. अपने स्टूडेंट जो है वो वन बाय वन एनिमल के बारे में बता रहे हैं. पेज नंबर 52 जो है अपनी बुक का देखिए उस बुक के अंदर फर्स्ट पेज नंबर 52 ओके लेट्स रीड टीचर Come on, Pia, let's hear about your pet. तो सी पिया जो थी वो अपनी स्पीच देने के लिए आ रही थी. Come on, Pia, करके पिया को वो टीचर बोलती है और अपने पेट के बारे में बताया. There is silence, everyone turned to Pia. सब लोग शांत थे और सब लोग पिया को सुनने लगे थे. Student number three to the hotel. Yes, Pia. What's your pet? Bet it the best. Okay. Pia बोलते हैं कि Pia यह आपका जो best animal जो है pet है उसके बारे में आप बताओ और उसके लिए आप सर भी लगा दो कि कौन सा animal सबसे best. Student four. Pia, the great animal is what? Go on, Pia. Don't tell you, I have a pet. So, student number 4 जो था वो बोलता है कि Pia, आप एक great animal है इसमें तो और ये नहीं बोलना कि मेरे पास animal के बारे में बोलने के लिए क्वेश्चन है. और ये भी नहीं बोलना कि मेरे पास pet animal नहीं है. Student number 5, she has a dog. उसके पास dog I have seen it. मैंने देखा है. It is an old strip dog. It can hardly walk. उसके बाद एक ऐसा डॉग है, old dog है. अच्छी तरीके से चल रहा है, वो उसको चलने में भी प्रॉब्लम होता है. Much longer. सब लोग हंसते हैं. Student, really? Old strip dog may be so bold in disguise. सब लोग बस में रहते हैं. सी एज ए मोस्ट एक्सेलेंट पेट. सब लोग कि उसके बाद मुझे अच्छा पेट होगा. कमन पिया पेट कमन कमन पिया उसके बाद हम स्टूडेंट चैनल पिया 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 ऐसे करके वो चिल्लाते हैं. चैनल चैनल बोलते हैं सर म्यूजिकल चले जाते हैं जहाँ पे सब लोग क्या होते हैं शांत हो जाते हैं सीधे सो जाते हैं. टीचर गो ऑन पिया वी लव टू हियर ऑल अबाउट योर पेट. टीचर जो लोग होते हैं पिया गो ऑन पिया आप जो भी बोलेंगे सब लोग उसको प्यार से आपको सुनेंगे और प्यार से देखो बताएंगे. ओके Pia, almost all audible. I have
इन ऑडियो को हम लोग डायरेक्ट गुरु को से दिया वो उनसे भी आवाज के जो पिया जो बोलती है तो आई हैव जैसे करके वो बोलती है रुक जाते ये धीरे आवाज में बोलती है और रुक जाते हैं स्टूडेंट यू कांट हियर तो मैं बोलने के आम आपको सुनिएगा वी कांट हियर यू आपको सुनिएगा स्पीक अप जोर से लाउड करते हैं लाउड करते हैं जैसे पी है आई हैव करके वो अपनी आवाज निकालती है टेक अ डीप ब्रीथ नाउ द डिसीजन इज टेकन टू स्पीक अप अमाउंट के विश्वास लेती है और उसने डिसाइड कर दिया नहीं करती बोल रहा है उसको बोल रहा है क्लास हीरो विद एक्साइटमेंट हीरो का मतलब क्या है teacher children children let us speak go and peer the teacher will be moment here because beech mein jo student hai wo apni awaaz chillane lagte hai awaaz ka shor shor karne lagte hai to uske karan kya hai teacher ke usko shant karne ki koshish karti hai suno suno uski baat ko suno aur baat ko dekhi go peer okay peer yeah okay chair se and I have told the monkey so can I go now so monkey here मेरे पास monkey और मैं monkey को लेना चाहती हूँ खरीदना चाहती हूँ so I can go now जाना चाहती हूँ student number 5 come on tell us some know how is your friend and don't tell us about it student number 5 yes yes speak about no उसके बारे में आप ज्यादा कुछ बताओ कि कौन सी जगह पे बारे में आप कुछ बात बताओ ठीक tell about tell us more about it yeah oh yes there student number so cute student number it is a poem of love student two जो था वो बताया कि क्या वो बर्थी या boy मंकी के बारे में जब बताते हैं स्टूडेंट जैसे कोई मजाक करते हैं क्या वो गलती के बॉय के जैसे बोलते हैं टीचर बॉय और गर्ल या गर्ल डेफिनेटली गर्ल सकती है या गर्ल डेफिनेटली वो गर्ल ही है असली मस्ती है पिया टीचर कपूचिन मंकी ठीक ये जो नाम था मंकी कपूचिन करके जो मंकी था उसकी उसका वो नाम ओके तो ये जो मंकी यानी फीमेल तो उस फीमेल मंकी के ऊपर ऐसी बराबर बाल यानी उस मंकी के ऊपर यानी फीमेल मंकी जो थी उसके शरीर के ऊपर तो उसकी लंबे लंबे बाल यानी उसके नोक यानी उसके नोक के ऊपर बाल भी दिखते थे इसलिए उसको कपूचिन मंकी बोला जाता है वाह वाह ए वाह ए और जो स्टूडेंट उस सब लोग कैसे थे वाह पिया कपूचिन मंकी तो बच्चे देखे रहते थे कि कपूचिन मंकी इट इज अ फ्रॉम साउथ अमेरिका इट इज क्वाइट रेयर और बोलते हैं कि ये जो मंकी है वो साउथ अमेरिका का है और वो बहुत ही रेयर जगह पे वो मिलता है स्टूडेंट नंबर 4 वेयर डू यू गेट इट कौन जो था जैसे क्वेश्चन बताए कि आपने ये कहाँ से गेट किया है आपने ये कहाँ से लिया
जाएगा कि वो किससे अपनी बात बता दे कि जो मेरे अंकल जो है वो अंकल ने उसको वहाँ से करके लाया चिड़ी से। स्टूडेंट ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, मंकी को करके लाया। तो पिया ने बताया कि मेरे जो अंकल है अंकल ने चिड़ी की जगह है चिड़ी का जो प्लेस है उस प्लेस से उसने अपनी मंकी को करके लाया। He is an animal specialist and so is Goomba. तो उस अंकल की वो बात है कि दिया के जो अंकल थे वो अंकल एक एनिमल स्पेशलिस्ट थे, इसलिए एनिमल स्पेशलिस्ट होने के नाते वो अपने उस एनिमल को लाए थे। So he got a stable उसको लाए थे। Student, wow, that's amazing. स्टूडेंट को बोलते हैं कि वाह, वो उसका जो एक्सप्रेशन जो बताता है तेरे से हो गए जो वो भी अभी की बात है। हाउ ओल्ड इज सी बेसिक क्वेश्चन रहता है कि वो कितना पूरा हो उसकी एज कितनी। ओके, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड इन, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड और कितने समय से आपके पास। How long have you had it? तो आपके पास कितने समय से आपके पास ये मंकी है? इसे अगर सभी से पूछता है सवाल, What does she eat? वो क्या खाता है? What does she wear? क्या पहनता है? Where does she stay? जो आते हो सोता है। ऐसे different type of questions students are asking the question to be. ओके, तो ये जो क्वेश्चन कस्टमर को लास्ट में पूछता है कि आपने कहाँ से ये मंकी खरीदा है, कहाँ से वो मिला है, या पता नहीं ये अंकल है चिड़ी के अंडर से वो लाए और ये एनिमल स्पेशल के नाते वो अपने एनिमल को बहुत ही प्यार करते हैं इसलिए वो वहाँ से लाए। ओके, बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर भी बता दें। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं कि उसकी एज कितनी है, आपके पास कितने समय से है, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, वो मंकी आपके सोता है। ओके, तो ये जो चैप्टर था इसको हम क्या स्टॉप करते हैं और दूसरा चैप्टर हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है, बार बार बोले ना आपके पास चैप्टर और ये जो चैप्टर